हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। यूट्यूब चैनल में लैंग्वेज मंत्रा छत्तीसगढ़ी व्याकरण के अंतर्गत आज तीसरा लेक्चर वीडियो है, जिसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ी व्याकरण के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ी तो बोली है, फिर इसका व्याकरण कैसे। तो कहा जाता है कि व्याकरण वो एक इकाई होती है या एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को पढ़ना, समझना, लिखना हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो जब कोई बोली किसी व्याकरण के सांचे में ढल जाती है तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त करती है, बशर्ते उसकी सभी शुद्धताओं के अनुसार आठवीं अनुसूची में उसे लिखित रूप में दर्ज कराया जाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ी की यह थोड़ी सी एक बदकिस्मती कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी से जहां छत्तीसगढ़ी व्याकरण के साहित्य की रचना की जा चुकी थी, आज तक संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु इसके व्याकरण के समय की बात की जाए तो इसका व्याकरण 1885 में मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। उसी के बाद शंकर शेष, नरेंद्र देव वर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, आपकी जो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, बड़े भाषाविदों के द्वारा भी छत्तीसगढ़ी बोली पर तमाम प्रकार के कार्य किए और उन्हीं के अनुसार जो कार्य किए गए थे मील का पत्थर साबित हुए। तो कहा जाता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी जब सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को दिया गया था तो उनके द्वारा जनगणना और भाषा पर बोली पर कार्य किया गया तो उनके अनुसार छत्तीसगढ़ी को सभी भाषाओं में से छठवीं भाषा का स्थान जो है वो दिया गया था। बदकिस्मती यही है कि छठवीं भाषा का दर्जा छत्तीसगढ़ी व्याकरण को दिया गया था, छत्तीसगढ़ी बोली को दिया गया था, परंतु आज भी इसे संवैधानिक दर्जा आठवीं अनुसूची में प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहला व्याकरण कब लिखा गया, तो 1885 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय, ठीक है ना। अब ये हीरालाल काव्योपाध्याय जिन्हें बचपन से ही साहित्य के प्रति रुचि थी, तो बचपन से ही इन्होंने साहित्यिक गतिविधियों की ओर अपना स्थान जो है बनाया था, दुर्गायन जैसी रचना की थी और कलकत्ता के स्कूल के लिए इनके द्वारा एक प्रार्थना गीत लिखा गया जिसकी खुशी को जाहिर करते हुए कलकत्ता के लोगों ने इनके जन्म दिवस की उपलब्ध पर इनको काव्योपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया। और ये मुंशी हीरालाल अब हीरालाल काव्योपाध्याय के नाम से पहचाने जाने लगे। 1885 में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करके यह ख्याल रखते हुए कि किस प्रकार की बोली भाषा के इसमें प्रभाव हैं, जिसके आधार पर वर्ण अक्षर बदल जाते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण के नाम से, जिसे ग्रियर्सन ने पढ़ा, वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि छत्तीसगढ़ बोली जो छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बोला जाता है उसमें व्याकरण लिखना अपने आप में बहुत बड़ा एक कठिन कार्य था। उन्होंने लोचन प्रसाद पांडे की मदद लेते हुए उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया और उसका नाम लिखा अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट के नाम से। देन आफ्टर 1921 में लोचन प्रसाद पांडे ने उसका हिंदी रूपांतरण किया अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी के नाम से। और इस तरह इस पर अनेक भाषाविदों ने अलग अलग काम किए, छत्तीसगढ़ी भाषा का उदय विकास हो या छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन हो, छत्तीसगढ़ के मुहावरे, लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ की उपसर्ग, छत्तीसगढ़ के प्रत्यय, तमाम प्रकार के व्याकरणिक पक्षों पर अलग अलग प्रकार के कार्य को किए गए थे। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर पूरी तरह से इसकी सहचरी बहने अवधी और बघेली का प्रभाव देखने को मिलता है। अवधी में जिस तरह वर्ण अक्षर बदल जाते हैं, बघेल खंड के प्रभाव से जो बघेली का प्रभाव होता है, तो किस प्रकार वर्ण अक्षर किस रूप में बदल देते हैं, छत्तीसगढ़ी में स्वर कितने हैं, छत्तीसगढ़ी में व्यंजन कितने हैं, इन सब की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी में स्वर और व्यंजन को। मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार अगर हम छत्तीसगढ़ी की वर्णमाला की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी की वर्णमाला में उन्हीं वर्ण अक्षरों को लिया गया है जो छत्तीसगढ़ी में लिखने के लिए हिंदी की देवनागरी का प्रयोग किया जाता है। हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार स्वर की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी स्वर को दो भाग में बांटा है, एक लघु स्वर में और एक बांटा है उन्होंने दीर्घ स्वर में। उनके अनुसार छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ, यहाँ ऋषि केरी का इस्तेमाल नहीं होता, एड़ी का ए और ओखली का ओ कह के पांच प्रकार के लघु स्वर कहे गए। इसी प्रकार आम का आ,
इख का ई, ऊन का ओ, ऐनक का ए और औरत का औ कह के पांच प्रकार के दीर्घ स्वर माने गए। हीरालाल कार्वेपाध्याय का कहना है कि इस पे अवधी भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए कभी हम लघु वर्ण को दीर्घ के अनुसार और दीर्घ वर्ण को लघु वर्ण के अनुसार उच्चारण करते हैं, इसलिए उनके अनुसार ये अलग अलग दो वर्ण नहीं है। इसी प्रकार ये अलग अलग दो वर्ण नहीं है, इसलिए 10 में से 2 को कम कर दिया तो 8 प्रकार का स्वर छत्तीसगढ़ी भाषा में माना जाता है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे लिए अयोगवाह की। अयोगवाह की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा में अयोगवाह में हम अंगूर के अम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ी में अंगूर के अम से ज्यादा प्रयोग चंद्र बिंदु का होता है। बघेली के प्रभाव से हाथी को हाथी, साथी को साथी कहना, इसी प्रकार देखा जाए तो अनुस्वर का ज्यादा प्रयोग चंद्र बिंदु के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। जाहूं, खाहूं, बताहूं, देखूं, सोचूं, ऐसे चंद्र बिंदु और अनुस्वर के प्रयोग होते हैं। यहाँ पर विसर्ग का इस्तेमाल लुप्त हो जाता है। इसे नेवह ता न बोल करके न्योता, जेवह नार न बोल करके जेवनार, मनह खे न बोल करके मनखे, जिस तरह हिंदी में दुहक न कहकर दुख कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, जो स्वर थे उस स्वर के आधार पर देखा जाए तो हीरालाल काव्योपाध्याय के बाद उन्होंने व्यंजन वर्ण की बात की, तो इनके द्वारा जो व्यंजन वर्ण है यानी कि हिंदी और संस्कृत भाषा में जो स्पर्श वर्ण है, उन्हीं स्पर्श वर्णों को मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय ने दो पक्ष में बांट दिया। एक नाम दिया उनके द्वारा उन्होंने शांत व्यंजन का। इस शांत व्यंजन के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा, शुरू के 3 वर्ग यानी कि हमारा क वर्ग, इसी प्रकार हमारा आपका च वर्ग, क वर्ग, साथ में हमारा च वर्ग रखा और हमारा ट वर्ग रखा। ठीक है, यानी कि कंठव्य वर्ण को, तालव्य वर्ण को और मूर्धन्य वर्ण को, तो इन 3 वर्णों को यानी कि कबूतर के क से लेके अण तक को इन्होंने शांत व्यंजन की श्रेणी में रखा है। दूसरी बात, इनके बाद में जो बचे हुए 2 वर्ग है उसे हीरालाल काव्योपाध्याय स्पर्श व्यंजन के नाम से पुकारते हैं। और इस स्पर्श वर्ण में क्या आएगा, आपका आ जाता है त वर्ग और आ जाता है हमारा प वर्ग, मतलब कि दंतव्य वर्ण और आपके ओष्ठय वर्ण। और इन 2 वर्णों में तरबूज के त से नल का न हमारे लिए, आपका आ जाता है प फ भ भ, म कहकर हमारे लिए स्पर्श वर्ण की श्रेणी में आता है। अगली बारी आ जाती है हमारे लिए अंतःस्थ व्यंजन। हिंदी और संस्कृत की तरह छत्तीसगढ़ी भाषा में भी अंतःस्थ वर्ण की अगर बात करें तो यज्ञ का य, रस्सी का र, लट्टू का ल और वचन का व है। अब बारी आती है उष्म वर्ण की। ठीक है, तो अवधि भाषा के अनुसार जब यहाँ पर वर्ण अक्षर के रूपांतरण होते हैं तो यहाँ षटकोण का श और शक्कर का श इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए 2 वर्ण हट जाते हैं और उष्म वर्ण में केवल 2 वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। रही बात संयुक्त व्यंजनों की, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत संयुक्त वर्ण नहीं है, उनके परिवर्तन हो जाते हैं, वर्ण रूपांतरण हो जाता है, इसलिए मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार देखा जाए तो 8 प्रकार का लघु स्वर, ठीक है, 15 प्रकार के आपके शांत व्यंजन और 10 प्रकार के आपके कौन से वर्ण हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, 4 प्रकार का अंतःस्थ और 2 प्रकार का उष्म वर्ण हो जाता है, यहाँ संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आधुनिक कालीन जो साहित्यकार थे जिसमें नरेंद्र देव वर्मा की बात की जाए तो नरेंद्र देव वर्मा पूरी तरह से हिंदी को फॉलो करते हुए चलते हैं और उनके अनुसार देखा जाए तो हीरालाल काव्योपाध्याय को, उनके द्वारा हीरालाल काव्योपाध्याय को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये जो ए ऐ ओ औ है जो लघु स्वर में थे हमारे ए ऐ ओ औ थे, ये लघु और दीर्घ में चूंकि हिंदी के अनुसार इन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से पुकारते हैं, चूंकि संयुक्त स्वर होकर भी इनका रूपांतरण अवधि के प्रभाव से लघु दीर्घ के लिए होता है, इसलिए 2 कम करके उनके द्वारा भी 8 प्रकार के स्वरों को माना गया है। अगली बात आती है व्यंजन की, तो आपके नवीन रूप के अनुसार देखा जाए तो उनके अनुसार यहाँ 25 प्रकार का स्पर्श वर्ण है जो माना जाता है। इसमें देख रहे तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न
और प फ ब भ म, ये 25 स्पर्श वर्ण है। साथ ही यहाँ पर चार प्रकार के संयुक्त वर्ण और चार प्रकार के उष्म वर्ण और आपके अंतःस्थ वर्ण, और दो प्रकार के उष्म वर्ण है। इस तरह 25 स्पर्श वर्ण और आपके चार अंतःस्थ और दो उष्म वर्ण के साथ में यहाँ कुछ और वर्णों को मिला देते, जैसे कि आधा न और ह, उसी प्रकार आधा ल और ह, आधा म और ह, आधा र और ह, चार और मिला देते हैं तो जो 25 स्पर्श वर्ण थे उसकी संख्या अब 29 हो जाती है। और इस तरह देखा जाए तो हिंदी की ही तरह छत्तीसगढ़ी भाषा में वर्तमान समय में 35 प्रकार का व्यंजन माना जाता है। अब कहने वाली बात है कि यहाँ पर जब हम वर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो क्या यहाँ वर्ण के प्रयोग से शब्द का निर्माण होता है, तो देखने वाली बात है कि जब हम वर्ण अक्षर को क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं, वर्ण अक्षर को संयुक्त करते हैं, जैसे कि ल है उसके साथ अ है, इसी प्रकार ई है उसके साथ में हमारे ल है ना, क है ठीक है, और आपके आ की मात्रा है ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो जब हम इसको संयुक्त करते हैं, ल से अ मिला तो ल बना, यहाँ पर हमारे लिए ई है और क में आ की मात्रा से लयिका का निर्माण हुआ, यानी कि एक वर्ण अक्षरों के संयोग से किसका निर्माण हो रहा है बेटा, शब्द का निर्माण जो है वो होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर स्वर से शुरू होने वाले शब्द भी हैं और व्यंजन से शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल हिंदी की तरह कुछ वर्ण ऐसे हैं जो प्रारंभ में आते हैं, मध्य में आते हैं और अंत में आते हैं। जैसे कि अगर कहता है चौर है ना, उसी प्रकार लयिका, यहाँ जो स्वर है वो अपने वास्तविक रूप में है, यहाँ चौर कह रहा है तो उ जो है वो वास्तविक रूप में है। लेकिन देखने वाली बात है कि यही व्यंजन जो के साथ में जब जुड़ता है तो मात्रिक रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कहता है जाबो, तो जो आ की मात्रा है और ओ की मात्रा है यह अपने मात्रिक रूप में आता है। तो कभी कभी स्वरों से शब्द का निर्माण होता है, अवैया जवैया कहता है, इसी प्रकार खवई पियई कहता है, आबो जाबो खाबो कहता है, कौआ कहता है, इसी प्रकार देखा जाए तो कहा जाता है जैसे आए गए खाए पिए कहे बोले बताए, ठीक है ना। तो ये सभी हमारे लिए स्वर और व्यंजन के संयुक्तिकरण से इसका निर्माण जो है वो होता है। अब बारी आती है व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन वर्ण से भी शब्द की शुरुआत होती है। जैसे कि कचरा कहता है तो ये क वर्ण जो है वो प्रथम में आया है, है ना। कभी कभी कच्चा कहता है तो च वर्ण का दो बार प्रयोग है, ठीक है। इसी प्रकार पक्का कहता है तो क वर्ण का दो बार प्रयोग है। तो कहने का मतलब पूरी हिंदी की तरह छत्तीसगढ़ी भाषा की भी खासियत हो जाती है कि वर्ण अक्षर से शब्द के निर्माण जो है देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर वो कहता है तो खचवा कहता है, खांध कहता है, खलसना कहता है तो ख से शुरुआत है। उसी प्रकार अगर कहता है जैसे कि आपके, जैसे गमला कहता है तो गमला भी देशा शब्द है। लेकिन अगर कहता है गवई कहता है, गांव कहता है ना, गुटना आपका गुदार कहता है तो ग शब्द से इसकी शुरुआत है। इसी प्रकार ढ है तो ढेकुना कहता है, ढक्कन कहता है, ढाप कहता है। तो मेरे बताने का मतलब क्या हो रहा है, हिंदी की तरह छत्तीसगढ़ी भाषा में भी स्वर वास्तविक और मात्रिक रूप में होते हैं। व्यंजन जो बगैर स्वर के पूरे नहीं हो सकते, ऐसी परिस्थिति में स्वर और व्यंजन को जब मिलाया जाता है तो शब्द का निर्माण होता है। ये शब्द जो स्वर से और व्यंजन से शुरू होने वाले हैं, जिस तरह स्वर एक शब्द के अंतर आता है तो कभी मात्रिक और वास्तविक दोनों रूप में होता है, वैसे ही कभी कभी स्वर वास्तविक और मात्रिक दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। अगली बात अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर यह पाते हैं कि ये जो वर्ण अक्षर है, स्वर और व्यंजन, कभी शब्द के प्रारंभ में, कभी उसके मध्य में तो कभी अंत में आते हैं। जिस तरह द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होता है वैसे ही कच्चा पक्का कहता है तो जगले वर्ग कहते हैं, बगले बर्गे बोलते हैं, है ना, इसी प्रकार टप्पले धरदारीज बोलते हैं। यानी कि वर्ण अक्षर जो है वो द्वित्व व्यंजन का प्रयोग भी करते हैं। जब इन्हीं को मिलाया जाता है, तो शब्द जैसे नाम दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में संज्ञा के दो प्रकार के रूप प्रयोग किए जाते हैं। दो प्रकार के रूप प्रयोग किए जाते हैं, इसमें क्या देखा जाता है, एक देखा जाता है लघु स्वरूप और एक देखा जाता है दीर्घ स्वरूप। किसी भी शब्द का जब निर्माण होता है तो यहाँ पर लघु और दीर्घ स्वरूप देखने को मिलता है। अगर वो कहता है जैसे कि बाघ कहता है, इसी प्रकार घोड़ा कहता है,
ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो बाघ है, घोड़ा है, बूढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द के दो रूप तो अर्थ के साथ में है, लेकिन एक है जो अनावश्यक होता है। अनावश्यक कैसे होगा बताते हैं। अभी बारी आती है हमारे लिए पुरलिंग शब्द की, ठीक है। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार संज्ञा के दो रूप विशेष तौर पर प्रभावी होते हैं, ठीक है, लेकिन एक अनावश्यक रूप देखने को मिलता है। जब किसी पुरलिंग शब्द का लघु स्वरूप होता है, जैसे बाघ है, घोड़ा है, टूरा है, बूढ़ा है, ये लघु स्वरूप है, लेकिन इसका दीर्घ स्वरूप बनाते समय हम यहाँ पर कुछ प्रत्यय को जोड़ते हैं। दीर्घ स्वरूप बनाने के लिए हम वा प्रत्यय को जोड़ देते हैं, इसलिए बाघ से बन जाता है बघवा, घोड़ा से बन जाता है घोड़वा, इसी प्रकार बूढ़ा से बन जाता है बूढ़वा, ठीक है। लेकिन अगर वो टूरा शब्द को अगर कहता है, जैसे कि टूरावना कहता है, इसी प्रकार हरवा कहता है, इसी प्रकार रुखवा कहता है, तो ये अनावश्यक रूप देखने को मिलते हैं। इसी तरह जब हम स्त्रीलिंग शब्द को देखते हैं तो स्त्री सूचक शब्द है, स्त्री सूचक हमारे पास शब्द होता है, तो स्त्री सूचक शब्द में अगर लघु स्वरूप है तो अगर कहता है जैसे कि टूरी कहता है, ठीक है ना, इसी प्रकार बूढ़ी कहता है, ठीक है ना, इसी प्रकार बेटी कहता है, ऐसी सिचुएशन में अगर वो हमारे लिए घोड़ी कहता है तो जो लघु स्वरूप है टूरी, बूढ़ी, बेटी, घोड़ी कहता है, जब इसका दीर्घ स्वरूप बनाना होता है तब यहाँ पर हमारे लिए इया प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार टूरी से हो जाती है टूरिया, ठीक है, घोड़ी से बन जाती है घोड़िया, और इसी प्रकार बेटी से बन जाती है बीटिया, और बूढ़ी से बन जाती है हमारे लिए बूढ़िया, तो नदी से बन जाती है नदिया। लेकिन अगर अनावश्यक की बात देखते हैं तो अनावश्यक का प्रयोग करने से यहाँ अगर हम जोड़ते हैं शब्द को तो अनावश्यक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका अंत जो है वो हमारे लिए आ या आपके वा से होता है, ऐसे सिचुएशन में दीर्घ बनाने के लिए हम ना प्रत्यय को जोड़ते हैं। जैसे कि देखा जाए सुआ जो कबूतर आपको तोता को कहा जाता है, इसी प्रकार परेवा जो कबूतर को कहा जाता है, तो सुआ का दीर्घ रूप हमारे लिए छत्तीसगढ़ी में सुवना बन जाता है और परेवा का दीर्घ रूप हमारे लिए परेमना बन जाता है। इसी प्रकार अगर वो दिया कहता है तब हमारे लिए आपका शब्द दियना बन जाता है। तो कहने का मतलब कि छत्तीसगढ़ी भाषा में वर्ण अक्षरों को जब मिलाया जाता है तब इसका एक स्वरूप निर्माण होता है, इसे हम शब्द कहेंगे। और इस शब्द की खासियत होती है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लघु शब्द को दीर्घ में बदलने के लिए पुरलिंग शब्द के दीर्घ सूचक में हम वा प्रत्यय और स्त्री सूचक शब्द में इया प्रत्यय लगाते हैं। कुछ शब्द आ और वा से अंत होने वाला पुरलिंग शब्द होता है उसमें हम ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं, और इसमें अवधि और बघेली का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि अवधि भाषा का प्रभाव क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सहचरी बहन है, अवध का दक्षिण हिस्सा होने की वजह से अवधि का विशेष प्रभाव है जो इसमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जितने भी नियम छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रयोग होते हैं उसमें अधिकांशतः वर्ण रूपांतरण के पीछे अवधि का प्रभाव देखने को मिलता है। इस अवधि भाषा में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ी में केवल बोली की अवधि का प्रभाव नहीं है, छत्तीसगढ़ी पूरी तरह संस्कृत को भी फॉलो करती है। कैसे, जिस तरह संस्कृत भाषा में क्रिया अंग्रेजी भाषा में क्रिया लिंग के अनुसार नहीं बदलता, छत्तीसगढ़ी भाषा की भी खासियत है कि संस्कृत अंग्रेजी की तरह छत्तीसगढ़ी भाषा में भी क्रिया लिंग के अनुसार नहीं बदलते। दाई भात खात है तो ददा भात खात है का ही प्रयोग जो है वो किया जाता है। हाँ, वचन के अनुसार बदल जाता है, मैं स्कूल जावत हूं से हमन स्कूल जावत हन, तय काय पढ़त हस कह के उसका परिवर्तन जो है वो बदल जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर हम कारक रचनाओं का भी विशेष प्रभाव देखते हैं, जिसमें ले और से का प्रयोग जो है वो किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से समस्त प्रकार के व्याकरण में चाहे वो वर्णमाला हो, शब्द का प्रयोग हो, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वचन लिंग काल कारक रचनाएं, इवन क्रिया विशेषण संयोजक संबंध बोधक विस्मयादि बोधक जैसे पक्ष इसमें देखने को मिलते हैं। संधि की प्रक्रिया निभाई जाती है, समासिक शब्द के निर्माण किए जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग है, मुहावरा लोकोक्ति भी सामाजिक अंचल के परिवेश से छत्तीसगढ़ी भाषा में देखने को मिलती है। इसका विशेष रूप से प्रयोग तो किया जाता है
परंतु अवधि और बघेली के प्रभाव से जिस तरह चीजें बदल जाती हैं उन सब का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर वचन परिवर्तन के लिए उपसर्ग हैं और वचन परिवर्तन के लिए प्रत्यय के भी इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंग्लिश को फॉलो करने की खासियत है कि जैसे इंग्लिश में बी यू टी बट में से हम यू को साइलेंट कर देते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ी भाषा में कभी कभी मध्य का लेटर जो है वो लुप्त हो जाता है। जैसे एच ओ यू आर में हवर नहीं अवर्स कहते हैं, पहला अक्षर साइलेंट हो जाता है, वैसे ही अंग्रेजी भाषा से प्रभावित छत्तीसगढ़ी में भी प्रथम अक्षर कभी कभी आवश्यकता के अनुसार लुप्त हो जाता है। जरूरत पड़ने पर अंतिम का वर्ण अक्षर भी साइलेंट कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ी भाषा जिसको लिखने के लिए देवनागरी का प्रयोग तो किया जा रहा है, पर व्याकरणिक नियमों में जितना प्रभाव हिंदी का है उतना ही प्रभाव कुछ जगहों पर अंग्रेजी का और कुछ हद तक संस्कृत का देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं एमसीक्यू के माध्यम से उस चीजों को कवर करने के लिए। ठीक है, तो बारी आती है हमारे लिए पहले प्रश्न की। हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा शांत व्यंजन निम्न में से कौन सा है? क से अण तक, चम्मच के छ से मछली के म तक, त से न तक या त से म तक। ठीक है, देखने वाली बात है कि क से अणा कह रहा है, मतलब क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, मतलब शुरू के तीन वर्ग, शुरू के तीन वर्ग यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये तीनों वर्ग को मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय ने शांत व्यंजन कहा है। अंत के दो वर्ग त वर्ग और आपका प वर्ग, इसको उनके द्वारा स्पर्श वर्ण के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा अगला कि छत्तीसगढ़ी में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 11, 9 या 8? पीएससी के अंतर्गत ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, बेटा ध्यान रखिएगा, 2015-16 के समय में पूछा गया था। उस समय स्वरों की संख्या के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय से लेकर अभी तक नरेंद्र देव वर्मा ने हालांकि 10 स्वर कहे कि पांच लघु पांच दीर्घ से 10 स्वर होते हैं, पर उन्होंने यह भी कहा है कि जो ए ऐ ओ औ है संध्या या संयुक्त स्वर हैं, जो हीरालाल काव्योपाध्याय की बात से प्रभावित होकर उनका भी मानना है कि यहाँ लघु को दीर्घ के लिए और दीर्घ को लघु के लिए कभी कभी आवश्यकता के अनुसार उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए 10 में से 2 कम करके 8 प्रकार के स्वरों की संख्या मानी जाती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी में क्ष वर्ण का परिवर्तन किस रूप में होता है? ख में, छ में, चछ में या सभी? तो वर्ण रूपांतरण की बात की जाए तो अवधि भाषा का प्रयोग। अब अगर हम कहते हैं वर्ण रूपांतरण तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं अवधि का प्रयोग। यह अवधि जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अवध के क्षेत्र में प्रयोग होती है, न केवल अवध साहित्य के क्षेत्र में मध्यकाल की सबसे बड़ी साहित्यिक भाषा थी। इस अवधि का प्रयोग सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, कानपुर इस तरह के क्षेत्र में बोली जाती है, अवध अयोध्या में बोली जाती है। और यहाँ की खासियत है कि वर्ण अक्षर परिवर्तित हो जाते हैं। वर्ण अक्षर के परिवर्तन के अनुसार देखा जाए तो हमारे लिए अवधि में क्षत्रिय कक्षा जो है वो छ में, आधा च और छ में और ख में बदलता है, इसलिए क्षेत्र से क्षेत्र बन जाता है और खेत बन जाता है, लक्षण से लक्षण बन जाता है, नक्षत्र से नक्षत्र बन जाता है। अवधि के अनुसार खरगोश का ख जो हमारे लिए बदल जाता है, आपके जो आपके क्षत्रिय कक्षा है ये च छ और ख में बदलता है, षटकोण का श जो स और ख में बदलता है, तो भाषा से भाषा या भाखा में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा देखने वाली बात है कि शक्कर का श जो स में बदलता है, इसे शाक से साग बन जाता है, शोक से सोग बन जाता है। ये जो कबूतर का क है वो ग में बदलता है, कभी कभी ख में बदलता है, तो बिलासपुर के क्षेत्र में क का प्रयोग ख में ज्यादा होता है, एखर, ओखर, काखर कहता है, कंधा को खांध कहना। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो क है वो ग में बदल रहा है, इसलिए प्रकट न बोलकर प्रगट कहा जाता है, भक्त न कहकर भगत कहा जाता है। लट्टू का ला जो रस्सी के रमे बदलता है, इसलिए फल से बन जाता है फर, डाल से बन जाता है डार, और उसी प्रकार होली से होरी, दिवाली से देवारी होता है। संयुक्त अक्षर टूट जाते हैं, इतरा बदल जाता है तर में, इसलिए चरित्र से बन जाता है चरित्र, नक्षत्र से नक्षत्र, और कभी कभी त में बदलता है, इसलिए तो पत्र से पत्ता बन जाता है, और रामचरितमानस से रामचरितमानस, और पुत्र से पुत्र। कहीं ना कहीं ये जो आपका तत्सम से तद्भव परिवर्तन थे उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है।
आरएफ वर्ण टूट जाते हैं इसलिए धर्म नहीं बल्कि कहा जाता है धर्म। जो आपका भर्रा का पदेन रूप है वह भी पूर्ण हो जाता है और भ्रम से बन जाता है भरम। तभी तो संयुक्त अक्षर टूट रहा है तो श्र से सर बन जाता है और श्रीपुर से हमारे लिए सिरपुर का इस्तेमाल जो है वो होने लगता है। वर्ण रूपांतरण की इस श्रेणी में हम ये देखते हैं ये सभी जो है हमारे लिए अवधि से प्रभावित माना जाता है जिसका परिवर्तन वर्ण अक्षरों में विशेष तौर पर किया जाता है। ये वर्ण अर्तन जहां परिवर्तित हो रहे हैं उसी में अगर हम बघेली की बात करें तो बघेल खंडी जिसे हम आपकी रीमाई के भी नाम से पुकारते हैं, बघेल खंड और रीमा सतना सीधी जबलपुर मंडला के आसपास बोली जाती है, तो बघेली के प्रभाव से यज्ञ का य जो बदल जाता है जहाज के ज में, तो यज्ञ से हमारे लिए जग बन जाता है, यजमान से जजमान, यशोदा से जसोदा और सूर्य से सूरज हो जाता है। इसकी कुछ खासियत है, ये जो यज्ञ का य है देखने वाली बात है कि अगर यह यज्ञ का य अंत में आता है ऐसे सिचुएशन में त को पूरा कर देते हैं या को साइलेंट कर देते हैं इंग्लिश की तरह, तो सत्य से सत हो जाता है, नित्य से नित हो जाता है, भाग्य से भाग हो जाता है और असंख्य से असंख्य हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखा जाए तो य के परिवर्तन से जब ज हो रहा है तो संयोग से संजोग हो जाता है, वियोग से विजोग हो जाता है। लेकिन आय व्यय दया मया अत्याचार ऐसे शब्द में य का परिवर्तन ज में नहीं होता है। अरे बस समझ में, इस यज्ञ के जो यह है इसका परिवर्तन ज में हो रहा है तो जब हमारे द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है तो विशेष खूबियों के अनुसार कभी कभी पहले का अक्षर जो अधूरा होगा जैसे कि आपका ध्यान कहता है ना, जैसे कि ध्यान कहता है, जैसे कि प्यार कहता है, जैसे कि प्यास कहता है, अगर इस यज्ञ से य का पहले अक्षर अधूरा है तो पूरा करके छोटी ई की मात्रा लगा देते और प्यार से प्यार बन जाता है, त्याग से त्याग बन जाता है, ध्यान से ध्यान और प्यास से प्यास बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर हमारे लिए वचन का व है जो बदल जाता है बकरी के ब में, इसलिए अगर वो वश करना कहता है तो भस्म कर दारे है कहा जाता है, तो विष को बिख कहते हैं, वर्षा को वर्षा या बरखा के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ नियम प्रयोग होते हैं, जब हम व का प्रयोग कर रहे हैं तो देखने वाली बात है कि विचार से विचार बन गया, वियोग से वियोग बन गया, ठीक है, और जिस तरह इंग्लिश के नियम के फॉलो होते हैं वैसे ही देखिएगा, अगर वो कहता है जैसे कि हमारे लिए सावन भवन पवन कहता है तो व का परिवर्तन व में नहीं होता। अगर व से पहले अगर अ का स्वर है, व से पहले यदि अ का स्वर है तो इसे हम ओ में बदल देते हैं तो माधव से बन जाता है माधो, इसी प्रकार यादव से बन जाता है यादो और फिर बन जाता है जादो, ठीक है। उसी रूप में अगर वो महादेव कहता है, ए की मात्रा आती है तो व को साइलेंट कर देते हैं इसलिए महादेव को महादेव कहा जाता है, मध्य का व साइलेंट हो जाता है इसलिए व्रत जिसे उपवास कहते हैं व को साइलेंट कर देते हैं तो उपास बन जाता है, ठीक है। तो जब किसी व से पहले ए की मात्रा और अ की मात्रा आ जाती है तो उसको हम अंतिम वाले व को जो है वो साइलेंट कर देते हैं, तो महादेव से महादेव, माधव से माधव, इसी प्रकार उपद्रव से उपद्रव और भैरव से भैरव बन जाता है, ठीक है। तो य और व के परिवर्तन के बाद में इसमें एक और है जहां ग और ह दोनों मिलकर घ में बदल जाता है, इसलिए ज ग ह न कहकर जघ कहा जाता है। अनुस्वर के बदले अनुनास का प्रयोग है, अगर वो हाथी कहता है तो हम हाथी कहते हैं, साथी कहता है तो साथी कहते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी जरूरी बात कि अवधि की भाषा में ऋषि के री का प्रयोग नहीं होता, न तो स्वतंत्र रूप में न आरएफ वर्ण में, इसलिए इसका प्रयोग इस रूप में लिखा जाता है, इसे ऋतु नहीं बल्कि ऋतु कहते हैं, ऋग्वेद नहीं बल्कि ऋग्वेद कहा जाता है। तो अवधि और बघेली के अनुसार यहां वर्ण अक्षर जो है वो परिवर्तित होते हैं। इसी वर्ण अक्षर के रूपांतरण में हम देखते हैं कि कुछ वर्ण अक्षर और बदलते हैं, जैसे कि टमाटर का ट जो अड़ा में बदलता है और अड़ा से र में बदलता है, इसलिए संस्कृत का कीट बन जाता है कीड़ा और अड़ा का परिवर्तन आप भोजपुरी के प्रभाव से अड़ा से र में बदलता है इसलिए कीड़ा से कीड़ा बन जाता है, जूड़ा से जूरा, पीड़ा से पीरा जैसे शब्द का निर्माण जो है वो होने लगता है।
ठीक है। अगली बात, जो दवात का द है, दवात का द है वो ड में और ध में बदलता है, इसलिए दौड़ना कहता है तो दौड़ना या धौरना के नाम से इसका उच्चारण जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो जब हम प्रयोग करते हैं द, तो द का प्रयोग ड और ढ में बदलते से दंड से डंडा बन जाता है ना, दीठ नजर से ढीठ नजर बन जाता है, इसी प्रकार पीड़ा से पीरा बन जाता है, ठीक है, झगड़ा से झगड़ा, थप्पड़ से थपरा, जूड़ा से जूरा बन जाता है। पंजाबी के कुछ हद तक प्रभाव यहां तक सुना जाता है, जब प्रभावित हो जाता है पंजाबी और हरियाणा से त का प्रयोग आपके द में, तो रास्ता ना कहकर रद्दा कहा जाता है, रास्ता ना बोलकर के रद्दा या रजदा के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी बात, नल का न जो परिवर्तित हो जाता है लट्टू के ल में, इसलिए कड़ी लीफ यानी कि मीठा नीम लीम कहलाता है, कड़वा नीम लीम कहलाता है, दैट्स व्हाई नींबू को लींबू के नाम से उच्चारित किया जाता है। कभी कभी या जो फल का फ है यह प में बदलता है तो साफ ना कहकर साफ कहा जाता है, इसी प्रकार सफेद ना कहकर सुपेत कहा जाता है। आवश्यकता के अनुसार यहां पर वर्ण अक्षर में जो पंचम वर्ण अक्षर है वो भी बदल जाते हैं, और उन पंचम अक्षरों में जो हमारा अण है उसका प्रयोग नल के न में होता है, जो जो ईया है अंगा है इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ी भाषा में बिल्कुल भी नहीं होता, वह एक अनुस्वर के तौर पर प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जब हम वर्ण अक्षर का परिवर्तन कर रहे हैं तो जो संयुक्त अक्षर टूट रहे थे, वैसे ही कुछ व्यंजन हैं जिसमें हमने ये देखा कि जब क्षत्रिय अक्षर बदल रहा था, त्रिशूल कतरा बदल रहा था, श्रीमान जी का श, तो जो ज्ञानी का ज्ञ है, ज्ञानी का ज्ञ है उसका उच्चारण ज्ञ होता है, इसलिए ज्ञान कहता है तो ग के पहले य, आपके य के पहले आधा ग है तो उसमें ई की मात्रा लगाकर ज्ञान कहने लगता है, विज्ञान है तो विज्ञान हो जाता है। जो आपका धनुष का ध है वो हमारे लिए आपका जो है वो बदल जाता है ह में, इसलिए वधु कहता है तब हमारे लिए बहु बन जाता है, और दधी कहता है तो दही बन जाता है, गोधूम कहता है तो गेहूं बन जाता है। ठीक है, कभी कभी भट्टे का भ ये ह में बदलता है तो सौभाग्य से सुहाग बन जाता है, और इस तरह वर्ण अक्षर का प्रयोग होता है। कभी कभी मछली का म व में बदल जाता है, इसलिए कोमल नहीं कुंवर कहा जाता है, कोमल नहीं बल्कि कुंवर कहा जाता है, और इसी प्रकार कमल नहीं कमर कहा जाता है, कुमार को कुंवर कहते हैं, कुमार को कुंवर कहा जाता है, कमल को कमल कहा जाता है, और कोमल को कुंवर कहा जाता है। देखने वाली बात हो जाती है कि सभी परिवर्तनों के अनुसार जितने भी नियम थे उसकी प्रयोग मैंने बताए, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में हम देखते हैं तो यहाँ सारे वर्ण अक्षर जो हैं वो अपने अनुसार बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए बहुत डिटेल में, तो व्यंजन वर्ण का परिवर्तन, स्वर वर्ण का परिवर्तन, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी वर्ण परिवर्तन होते हैं इन सब से रिलेटेड वीडियो आपको कंपटीशन कम्युनिटी में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वीडियो जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वहां जाएंगे तो आपको पूरे डिटेल में चीजें पता चलेंगी। अब बारी आती स्वर वर्ण के परिवर्तन की। जब हम स्वर वर्ण के परिवर्तन की बात करते हैं तो आवश्यकता के अनुसार लघु स्वर को हम दीर्घ में बदलते हैं, कभी दीर्घ स्वर को लघु में बदला जाता है, इसलिए अगर लघु शब्द है जैसे कि अगर कहता है जैसे कि ध्यान त्याग प्यार कह रहा है तो ध्यान त्याग और प्यार बन जाता है। इसी प्रकार जब लघु स्वर का परिवर्तन हो रहा है तो जो हमारे अ है आवश्यकता के अनुसार गलती से हम जिस तरह बोलते हैं ना, जैसे कि आपके अवर्स में से एच साइलेंट है उसी प्रकार अगस्ती में से अ साइलेंट होकर गस्ती बन जाता है, अहंकार से हंकार, अरूसा से रूसा बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि जब इसका प्रयोग किया जाता है तो कभी ये दीर्घ हो जाते हैं तो अदरक से हो जाता है आदा, जप कहता है तो जप से बन जाता है हमारे लिए जाप, कभी अंतिम वर्ण को दीर्घ कर देते हैं नव से बन जाता है हमारे लिए नवा, और इसी प्रकार ईंट से हो जाता है हमारे लिए ईटा, और पत्थर से बन जाता है पथरा। ठीक है, कभी कभी प्रारंभिक और उनके बीच में मध्य में जैसे कि तप्त कहता है, अब दो परिपूर्ण वर्ण के बीच में एक अर्धाक्षर आता है तो इसको हम प
को पूरा कर देते हैं और ई की मात्रा लगा देते हैं और तप्त से तिपत हो जाता है, तीर्थ से तीर्थ बन जाता है, पूछ से पूछी बन जाता है, फरियाद से फिरियाद बन जाता है, मध्यम से मध्यम और मिश्र से मिसिर बन जाता है, मिश्र से मिश्रा के साथ में मिसिर कहा जाता है। कभी कभी यह अ जो है वो उ में बदल जाता है, इसलिए जब वो मुंह कहता है तो छत्तीसगढ़ी में मुंह कहते हैं, सूरज कहता है तो सूरज कहा जाता है, कबूल कहता है तो कबूल कहते हैं और हुक्म कहता है तो हुकुम कहा जाता है। यही दीर्घ आ की मात्रा, यही दीर्घ आ की मात्रा अ में बदल जाता है तो मामा से हो जाते हैं मामा, काका से हो जाता है काका, बाबा से हो जाता है बाबा, चाचा से हो जाता है चाचा। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए जब हम आकाश कहते हैं तो आकाश बन जाता है, आलाप कहते हैं तो अलाप बन जाता है और दाऊ कहा जाता है तो दऊ कहने लगते हैं। इसी रूप में देखा जाए तो कभी कभी मध्य का आ, जैसे कि महाराज कह रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे लिए एक अ साइलेंट कर दिया और महाराज को महाराज कहा जाता है, पलाश को पलसा कहने लगते हैं। कभी कभी छोटी ई और दीर्घ उ का उच्चारण एक जैसा, इमली जो हमारी ई है, हमारी जो ई है इसका उच्चारण अ होता है, इसलिए अगर वो इमली कहता है तो छत्तीसगढ़ी में अमली कहते हैं, इत्र कहता है तो अतर कहते हैं। इसके प्रभाव में अगर देखा जाए तो हमारे लिए ईर्ष्या बन जाती है ईर्खा, ईश्वर बन जाता है ईश्वर, और इसी रूप में अगर देखा जाए तो कभी कभी दीर्घ वर्णों का परिवर्तन होता है। जो हमारे वर्ण में अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम ए का परिवर्तन देखते हैं, ये जो ए है इसके उच्चारण कभी कभी अब हम देखते हैं तो हम इसका प्रयोग जो है बदल देते हैं, जब हम इसको दीर्घ तो बरेठ है तो बरेठन हो जाता है, इसी प्रकार रेगी से तो रेंगाइस हो जाता है। कभी कभी हम इस ए को ए में प्रयोग करते हैं। अब ये जो हमारा ए का मात्रा है इसका बघेली के प्रभाव से ऐ में उच्चारण होता है, तो ऐसा से ऐसा, वैसा से वैसा, जैसा से जैसा, कैसा से कैसा, तो ऐसन वैसन जैसन तैसन कैसन का उच्चारण ऐसे उच्चारण जो है में औ में होता है। इसी प्रकार अगर हम ओ की बात कर रहे हैं, ओढ़ना कहते हैं, ठीक है ना, ओखली कहते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार आपका कहते हैं खोंधरा कहते हैं, लेकिन जो अ है इसका उच्चारण जो है वो औ में होने लगता है, इसलिए औरत नहीं बल्कि औरत, खौलना नहीं बल्कि खौलना कहा जाता है। और इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए औ का उच्चारण औ में किया जाता है, इसलिए अगर कहता है एग्जांपल के तौर पर जैसे और भात ले लेना तो क्या कहते हैं, थोकन औ भात ल तैहर ले ले। इस तरह वर्ण अक्षरों के रूपांतरण होते हैं। अब बारी आती है हमारे लिए क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन क्या कहा था बेटा, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, हाँ, छत्तीसगढ़ी में क्ष वर्ण का परिवर्तन किस रूप में होता है, तो ख में भी होता है, छ में भी होता है, चक्ष में। राक्षस कहता है तो राक्षस भी बोलते हैं, राक्षस भी कहते हैं, और आपका क्षत्र कहता है तो क्षत्र यानी कि सभी। छत्तीसगढ़ी वर्ण रूपांतरण व प्रयोग अवधि के अतिरिक्त किससे प्रभावित है, अंग्रेजी से, बघेली से, संस्कृत से, या ए और बी दोनों, तो यहाँ पर हमारे लिए किससे प्रभावित है, अवधि के अलावा बघेली से प्रभावित है, पर हाँ अंग्रेजी जी के कुछ नियम का और संस्कृत के कुछ नियम का पालन होता है, पर वर्ण अक्षर का परिवर्तन अवधि और बघेली के अनुसार होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है हमारे लिए कि अस्वर का परिवर्तन किस रूप में होता है, दीर्घ आ में, छोटा उ में, छोटा ई में, या सभी। मैंने अभी बताया कि अ का परिवर्तन दीर्घ रूप में होता है, इसलिए अगर वो ईंट कहता है तब हमारे लिए बन जाता है ईटा, और पत्थर कहता है तो पत्थरा, अदरक कहता है तो आधा बन जाता है। कभी कभी ई में परिवर्तन हो जाता है तो पूछ है तो पूछी, तीर्थ है तो तीरित, तिप्त है तो तप्त है तो तिपत बन जाता है, मुंह से बन जाता है मुंह, सूरज से बन जाता है सुरूज, यानी कि सभी। क वर्ण का परिवर्तन होता है ख में, घ में, ग में, या ए और सी दोनों, तो जो क वर्ग का परिवर्तन है या ख और घ आपके ग दोनों में होता है, इसलिए कंधा को खांद कहते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए एकर को एकर, ओकर को ओखर, ये बिलासपुर के लोरमी पंडरिया की ओर और छत्तीसगढ़ के कोरबा साइड के एरिया में इसका इस्तेमाल जो देखने को मिलता है, कटघोरा छुरी के तरफ, ठीक है। दूसरी बात की ग में परिवर्तन होता है, जैसे
प्रकट कह रहा है तो प्रगट बन जाता है, इलाका कह रहा है तो इलाका बन जाता है, कभी कभी ख क में बदल जाता है तो बंदगी न कहकर बंदकी हो जाता है, उसी प्रकार तकाजा न कहकर तगादा हो जाता है। तो एक चीज और देखेंगे कि ये जो हमारे लिए वर्ण अक्षर रूपांतरण है इसमें देखने वाले कि जहाज का ज जो है हमारे लिए आपका द में बदलता है। तो कागज कह रहा है तो कागद बन जाता है और तकाजा कह रहा है तो तगादा का निर्माण जो है वो होने लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, आपका अगला प्रश्न, अ तथा अ का परिवर्तन वाला शब्द है ऐसा या औरत, ऑप्शन बी ऐसन या औरत, ऑप्शन सी ऐसन या औरत, ऑप्शन डी असन या अवरत। तो ए का प्रयोग जो है वो आई में होता है, मैंने बताया था कि जो ए है इसका प्रयोग आई में होता है, इसलिए बैठना से बैठना बोलते हैं, पैसा से पैसा बोलते हैं, तो ऐसा से ऐसन भी बोला जाता है या ऐसा भी बोला जाता है। अ का उच्चारण जो होता है इस अ का उच्चारण औ होता है, इसलिए औरत जैसे शब्द का, दौलत जैसे शब्द का, खौलना जैसे शब्द का उच्चारण होता है, इसलिए इसका प्रयोग ऑप्शन नंबर बी में क्लियर है। शराब का छत्तीसगढ़ी अपभ्रंशित रूप क्या है, दारू है, मंद है या शराब है या मदिरा। देखिए यहां पर शराब को दारू भी कहा जाता है, यहां पर मंद मऊहा भी कहा जाता है, मदिरा तो इसका तत्सम रूप है, परंतु चूंकि कहा है कि अपभ्रंशित रूप क्या है, चूंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ी में शक्कर कशा है जो स में बदल जाता है, तो और आपका जो बकरी का ब है, ठीक है, देखेंगे कि जो वचन का व, ये जो वचन का व बदल रहा था किसमें, वचन का व बदल रहा था हमारे लिए बकरी के ब में, कभी कभी पतंग का प भी ब में बदल जाता है, इसलिए खराब जो बकरी का ब है वो प में भी बदलता है, इसलिए जब हम खराब कहते हैं, खराब हो गया है कहते हैं, तो ये कहते हैं खराब हो गए, शराब पी के आया है ना बोलकर क्या कहते हैं, शराब पी के आए है। और इस तरह देखा जाए तो शराब का छत्तीसगढ़ी रूप है जो शराब कहलाएगा, ठीक है, खराब से खराब कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संस्कृत के ट से अड़क छत्तीसगढ़ी में भोजपुरी के प्रभाव से किस रूप में परिवर्तन होता है, डमरू के ड में या अड़हा में या रस्सी के रम में या टमाटर के टम में। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि संस्कृत का ट जो अड़ा में बदलता है तो कीट से क्या बन जाता है, कीड़ा। अब भोजपुरी का प्रभाव है, अवधि बघेली के साथ साथ बिहार की भोजपुरी का प्रभाव मगधी से, तो यही अड़ा जो है वो रस्सी के रम में बदलता है तो कीट से बन जाता है कीड़ा, है ना, उसी प्रकार पीड़ा से बन जाता है पीरा, जूड़ा से जूड़ा, थप्पड़ से थपरा बन जाता है, पापड़ से पापर बन जाता है, इसी प्रकार लफड़ा कहता है तो लफड़ा हो जाता है, झगड़ा कहता है तो झगड़ा बन जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में व्यंजन के कितने भेद हैं, तीन हैं, चार हैं, दो हैं या एक हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में व्यंजन के केवल तीन भेद माने जाते हैं, स्पर्श वर्ण को ही दो भाग में बांट दिया, एक अंतस्थ और एक हमारा हो जाता है उष्म। और इस आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी भाषा में वर्तमान समय में हम क्या मान सकते हैं, तीन, कि स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण, संयुक्त का प्रयोग नहीं है। परंतु हीरालाल काव्य उपाध्याय को अगर हम लेके चलेंगे तो उसके चार प्रयोग हो जाएंगे, परंतु वर्तमान में मानक छत्तीसगढ़ी के अनुसार स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण कहकर हमारे पास तीन प्रकार के व्यंजन के भेद होते हैं। अगली बारी, छत्तीसगढ़ी उष्म वर्ण की संख्या क्या है, तीन है कि चार है कि दो है कि एक है। तो छत्तीसगढ़ी में उष्म वर्ण की संख्या दो है, क्योंकि शक्कर का शा बिकम्स टू सरोते का सा, षटकोण का शा बिकम्स टू सरोते का सा एंड खरगोश का खा, दैट्स वाई वो दोनों स्कीप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए स और ह कहकर उष्म वर्ण की संख्या केवल दो मानी जाती है। काव्योपाध्याय द्वारा व्यंजन के कितने भेद हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं या दो हैं। तो मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार चार प्रकार है, शांत व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन करके हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार चार प्रकार का व्यंजन माना जाता है। अगला,
छत्तीसगढ़ी भाषा में ऋषि करी लिखा जाता है। र में ऋषि करी की मात्रा, र में छोटी ई की मात्रा, ऋषि करी या इनमें से कोई नहीं। अवधि के प्रयोग से रस्सी के र का प्रयोग जो महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में है, जैसे कहते हैं उड़ीसा और महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में, री का प्रोनाउंसिएशन का द्वारा रू होता है। अमृत नहीं बल्कि अमृत, कृपा नहीं कृपा, सृष्टि नहीं सृष्टि, पृथ्वी नहीं पृथ्वी, लेकिन लिखते समय वहां पर ऋषि के री का इस रूप में प्रयोग होता है। इसलिए अगर वो ऋतु लिखना चाहता है तो अवधि भाषा में ऋतु इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। आर एफ वर्ण का प्रयोग नहीं है, इसलिए अगर वो कृपा कहता है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में कृपा कहा जाता है। पृथ्वी न बोलकर पृथ्वी कहा जाता है, सृष्टि न बोलकर के सृष्टि बोला जाता है, ठीक है ना। इसी तरह छत्तीसगढ़ी भाषा में, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में वर्णों का रूपांतरण किस बोली से प्रभावित है, संस्कृत से, हिंदी से, अवधि से या बिहारी से। छत्तीसगढ़ अंचल का जो अवध का दक्षिण हिस्सा होने की वजह से प्राचीन बोली है कोसली, इसलिए कोसली जो अवध में बोली जाती है, इस अवधि का सबसे ज्यादा प्रभाव छत्तीसगढ़ के वर्ण रूपांतरण में यहाँ की बोली भाषाओं में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अणा का वर्ण का परिवर्तन क्या है, अनुस्वर में है कि न में है कि अड़ा है कि इया है। पहली बात, जो पंचम अक्षर है आपका अंगा और इया, इसका इस्तेमाल अवधि में है ही नहीं, ये तो अनुस्वर है। गंगा अगर कहता है, पंचम कहता है, खंजन कहता है। दूसरी बात, ये जो आपका अण है यह बदल जाता है नल के न में, इसलिए चरण से चरण, ब्राह्मण से ब्राह्मण, कण से कण, उसी प्रकार देखा जाए तो यहां पर हमारे रामायण न कहकर रामायण कहा जाता है, ठीक है। तो जो अण का उच्चारण है वो न में बदल जाता है। रही बात हमारे लिए नल का न, जो अपने आप में प्रसिद्ध है, वैसा प्रयोग भी है, नदिया कहता है, नरवा कहता है, ननंद कहता है, तो न का प्रयोग है। मा कहता है, ममा कहता है ना, मऊर कहता है, ठीक है। इसी प्रकार मुंधियार कहता है, तो म के भी प्रयोग इसमें देखने को मिलते हैं। तो अण वर्ण का परिवर्तन न में हो जाता है, इसलिए अगर वो चरण कह रहा है तो हमारे लिए चरण बन जाता है, यानी कि चरण से हमारे लिए क्या बन जाता है, चरण कह रहा है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में चरण बन जाता है। और प्रमाण कह रहा है तो प्रमाण बन जाता है, प्रणाम कह रहा है तो प्रणाम बन जाता है, ठीक है। स और ख में परिवर्तन करने वाला वर्ण निम्न में से कौन सा है, सरोते का सा, षटकोण का सा, शक्कर का सा या श्रीमान जी का सा। तो ये जो शक्कर का सा है वो स में बदलता है, इसलिए शोक कहता है तो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं सोग लागत है, शार्क कहता है तो साग ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार देखा जाए तो श्रीमान जी का श्र जो सर में बदलता है तो मिश्रा से मिश्रा बन जाता है और श्रीपुर से सिरपुर बन जाता है। ये सरोते का स जो छ में बदलता है तो पैसेंजर से पछिंदर हो जाता है, बत्सर से बच्छर बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखा जाए तो सीताफल से छीताफर बन जाता है, पौधों में पानी सींचना को छींचना कहा जाता है, ठीक है। यही जो षटकोण का स है वो स और ख दोनों में बदलता है, इसलिए भाषा से भाषा भी है और भाखा भी है, वर्षा से वर्षा भी है और बरखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, परेवा का दीर्घ स्वरूप क्या होगा, परेवी, परेवना, परेवाओ या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम वर्ण अक्षरों को मिलाकर संयुक्त कर रहे होते हैं तो वर्ण अक्षरों के संयुक्त होने से खासियत देखने को मिलती है कि यहाँ लघु को दीर्घ रूप में बदलने की परंपरा है और एक ऐसा प्रयोग जहां पर अनावश्यक है। तो लघु, दीर्घ और अनावश्यक तीन प्रकार के प्रभाव वाले शब्द देखने को मिलते हैं। तो जब हम आ साइनिंग वर्ड को बदलते हैं पुरली के लिए वा में, तो टूरा से टूरवा, घोड़ा से घोड़वा, बाघ से बघुआ, भालू से भलुआ बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आपके जो स्त्री लिंग वाले शब्द होते हैं उसके हम ई सामलिंग को ई में बदलते, बूढ़ी से बुढ़िया, नदी से नदियां, टूरी से टूरिया, घोड़ी से घोड़िया। लेकिन अगर कहा जाता है कि जैसे हम कहते हैं तो ढीमरवा कहते हैं, है ना, इसी प्रकार हम कहते हैं सोनरवा कहते हैं, रुखवा कहते हैं, हरवा कहते हैं, टूरावना कहते हैं, तो सारे शब्द जो है वो अनावश्यक मतलब मीनिंगलेस मतलब कि सार्थक और निरर्थक में से निरर्थक हो जाते हैं। तो जिस शब्द का अंत आ और वा से होता है तो सुवा से हो जाता है सुवना और परेवा से हो जाता है परेवना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा का दीर्घ स्वरूप बताइए, घोड़ना, घोड़ावना, घोड़हा या घोड़वा। तो आ साउंडिंग इफेक्ट में हम वा लगा देते हैं तो घोड़ा से बन जाता है घोड़वा। अगला प्रश्न, मछली का दीर्घ स्वरूप क्या होगा। अब मछली है
ई साउंडिंग इफेक्ट है तो क्या होगा, मछरा होगा कि मछरवा होगा कि मछरिया की मछरवना, तो सोन मछरी है तो मछरिया कहते हैं, बेटी से बिटिया, नद्य से नदिया, तभी तो भाई छोटा है और भैया बड़ा हो जाता है, तो मछरी से मछरिया। दिया का दीर्घ स्वरूप दियना, दिया दीपवना या दीवना, तो दिया से बन जाता है दियना, सुवा से सुवना और परेमा से परेवना। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था, ग्रियर्सन के द्वारा, लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा, नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा या हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा। सबसे पहला व्याकरण लिखा गया मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा 1885 में। नाम क्या था, छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब उसे पढ़ा तो लोचन प्रसाद पांडे की मदद से, क्योंकि लोचन प्रसाद पांडे को संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का, छत्तीसगढ़ी का भरपूर ज्ञान था, इसलिए उनकी मदद से, लोचन प्रसाद पांडे की मदद से ग्रियर्सन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, कलकत्ता के बैप्टिस्ट मिशन प्रेस में छपने के लिए भेजा। कलकत्ता की शोध पत्रिका के 49वें खंड में यह किताब छप कर आई थी। नाम था अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट के नाम थे और टाइम पीरियड था 1890। तो लिखा गया आपकी 1885 में, प्रकाशित हुई 1890 में। आफ्टर फ्यू ईयर्स, अगर हम कहते हैं कि कुछ वर्षों के बाद में, लोचन प्रसाद पांडे ने उसका हिंदी अनुवाद 1921 में किया, अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी के नाम से। तो पहला व्याकरण लिखा गया हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा। अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी के रचयिता कौन है, लोचन प्रसाद पांडे की, नरेंद्र देव वर्मा के, ग्रियर्सन के, शंकर शेष। इसके रचयिता हैं लोचन प्रसाद पांडे। नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास लिखा गया और शंकर शेष के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन जो है वो लिखा गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग शब्द का स्त्री सूचक दीर्घ स्वरूप बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, वा का, या का, ना का या कोई नहीं। छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग शब्द यदि है उसका स्त्री सूचक में दीर्घ रूप बनाने के लिए हम इया का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बूढ़ा कहता है तो हम स्त्री सूचक में क्या कहते हैं, बुढ़िया। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगला, ऋग्वेद का छत्तीसगढ़ी वर्तनी निम्न में से क्या होगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद और इनमें से कोई नहीं, तो छत्तीसगढ़ी में इसका रूप होगा ऋग्वेद। ठीक है, हम ये ऋग्वेद करेंगे। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक, अगला क्वेश्चन, बघेली बोली के प्रभाव वाला वर्ण रूपांतरण निम्न में से कौन सा है, श का परिवर्तन स, य का परिवर्तन ज, व का परिवर्तन व या बी और दो सी दोनों, तो इसमें आएगा बी और सी दोनों। यजमान से जजमान, सत्य से सत, नित्य से नित, असंख्य से असंख हो जाता है। इसी यज्ञ के य के कुछ नियम हैं जिसका परिवर्तन किया जाता है, तो जब हम यज्ञ के य का परिवर्तन करते हैं, यज्ञ के य का परिवर्तन किया जाता है तो वर्ण अक्षरों के प्रभाव सत्य से सत बन जाता है, नित्य से नित बन जाता है, संयोग से संजोग बन जाता है और इसी प्रकार मयूर नाम का पक्षी मजूर कहनाने लगता है, लेकिन आय व्यय दया मया अत्याचार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब अर्धाक्षर है त्याग न्याय प्यास तो प्रथम अक्षर को पूर्ण करके ई की मात्रा लगा दी जाती है। कभी कभी हमारे लिए अंतिम वाला या ए में बदल, समय न कहकर के समय कर, इंद्रिय न कहकर इंद्री कहा जाता है। ठीक है, ये या वचन के व के परिवर्तन की बात करते हैं तो वचन का व बकरी के ब में बदल जाता है, तो विचार से विचार बन जाता है, वियोग से वियोग बन जाता है, वश से बस बन जाता है और विफल से विफल जैसे शब्द का निर्माण होता है। साथ ही देखा जाए तो विंशति से बीस बन जाता है, वसन से वस्तन बन जाता है, इसी प्रकार वर यात्रा से बरात बन जाता है, माधव से हो जाता है माधव, यादव से जादव, भैरव से भैरव और उपद्रव से उपद्रव। जब व के पहले ए और अ की मात्रा आती तो व को साइलेंट कर दिया जाता है, इसलिए उपवास से उपास, महादेव से महादेव, इसी प्रकार तुर्काना ही कहते हैं। अब जैसे कि नाव कहता है, इसी प्रकार गांव कहता है। ठीक है, तो कभी कभी व से पहले आ की मात्रा होती है तो व को साइलेंट कर देते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, तुर्काना ही, तो कौन गांव के अस, इसका उच्चारण जो है वो विशेष तौर पर किया जाता है। ठीक है, और इस तरह देखा जाए तो आज के लेक्चर वीडियो में और इस तरह
में देखा जाए तो आज के लेक्चर वीडियो में हमने वर्ण अक्षर को जाना, छत्तीसगढ़ के व्याकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ी वर्णमाला को जाना, वर्ण रूपांतरण को जाना, संज्ञा शब्दों की पहचान करी कि किस तरह यहाँ सार्थक और निरर्थक के लघु और दीर्घ और एक निरर्थक स्वरूप देखने को मिलता है। इन सभी के बाद में हमने ये जाना कि वर्ण अक्षर में विशेष तौर पर प्रभाव अवधि और बघेली से वर्ण परिवर्तन होते। आज जो वर्ण परिवर्तन आपने देखा है ना, यही परिवर्तन हिंदी भाषा में तत्सम से तद्भव परिवर्तन में भी आपको काम आएगी, क्योंकि मैंने हिंदी की लेक्चर वीडियो में बताया था कि जब हम वर्ण अक्षर का परिवर्तन करते हैं तो संस्कृत के शब्द का हिंदी रूपांतरण तद्भव है। तो कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में बदलते हैं, कुछ ऐसे हैं जहां प्राकृत की बोलियों का प्रभाव उसमें पढ़ने को मिलता है। और इस आधार पर आज की लेक्चर वीडियो में हमें इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जाना है। यहां भी हिंदी की तरह ये स्वर और व्यंजन से शुरू होने वाले अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं, कभी प्रथमाक्षर में, कभी मध्य अक्षर में, कभी अंत में आते हैं। यहां पर भी द्वित्व व्यंजन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आज तो हो गया हमारा क्लास कंप्लीट, आने वाले मंडे से अब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि आने वाले मंडे से इसी टाइम शेड्यूल पर जिस समय मैं आपके सामने उपस्थित होंगी टाइमिंग भी चेंज किया गया है 2 से 3 का। अब से प्रत्येक सोमवार को 2 से 3 बजे तक मैं आपके समक्ष लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज मंत्रा को लेकर आऊंगी। तो आने वाले टॉपिक में जितनी भी चीजें कवर करा सकूंगी लाइव के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, यानी आप मुझसे रूबरू होकर पढ़ेंगे और अपने डाउट को वहां पर क्वेश्चन के माध्यम से भेजेंगे और मैं देखूंगी कि मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है क्या। तो देरी किस बात की, इस बार को छोड़कर अगले आने वाले सोमवार में 2 बजे से 3 बजे तक मैं मिसेस अनु रॉय लाइव टेलीकास्ट में आपसे मिलूंगी, जब मैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज मंत्रा के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपके साथ में आऊंगी। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच, और हमेशा की तरह लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।